बाड़मेर के संदिग्ध बलून को लेकर नया खुलासा। वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आया था बलून 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर। बलून पर लिखा था हैप्पी बर्थडे। बाड़मेर के बायतू और बालोतरा समेत कई इलाकों में आसमान में संदिग्ध चीज गिरने से मकानों में दरार। गिरने वाली चीज मिसाइल के टुकड़े या बलून का हिस्सा। जांच जारी। बिहार के हाजीपुर अतिक्रमण हटाने की कोशिश के खिलाफ हंगामा। लोगों ने फूंकी गाड़ियां। हाईकोर्ट के आदेश पर मंदिर का अतिक्रमण हटाने पर पहुंची थी पुलिस। हाजीपुर के बागमल्ली में अतिक्रमण हटाने आई पुलिस पर लोगों ने किया पथराव। पुलिस का रास्ता रोकने के लिए सड़क पर लेट गए थे लोग। वैशाली के पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों के साथ बड़ी तादाद में पुलिस तैनात। हाजीपुर के हालात पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, कोर्ट का है आदेश, लोगों ने कानून नहीं लेना चाहिए हाथ में। गिरफ्तार किए गए 12 संदिग्धों से एनआईए की पूछताछ में खुलासा। सरकार को करना चाहते थे अस्थिर। पुलिस की नकारात्मक छवि वाली फिल्मों से प्रभावित हैं संदिग्ध। एनआईए को बताया शरिया कानून लागू करने का इरादा। अंबाला के आर्मी एरिया से पकड़े गए संदिग्ध असलम का खुलासा। आर्मी एरिया की जासूसी कर सारी जानकारी अहमदाबाद स्थित किसी और व्यक्ति को भेजता था असलम। भुवनेश्वर के एक होटल से 4 विदेशियों के चुपचाप गायब होने से खलबली। मुखबिर की जानकारी पर रेड मारने पहुंची थी पुलिस। पुलिस वालों के पहुंचने से पहले ही भाग निकले विदेशी। कोलकाता के अलीपुर इलाके से जासूसी के शक में बांग्लादेश का नागरिक गिरफ्तार। कमांड हॉस्पिटल की फिल्म बना रहा था आरोपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने कामकाज की करेंगे समीक्षा। शाम 6:30 बजे मंत्रियों की बुलाई गई बैठक। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर राष्ट्रपति की मोहर। केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में करेंगी रैली। अमित शाह और राजनाथ के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के टॉप नेता की 3री रैली। आज बांग्लादेश का दौरा करेंगे यूपी के सीएम। बुंदेलखंड का दौरा करेंगे आज यूपी के सीएम अखिलेश यादव। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। इससे पहले राहुल गांधी ने किया था बुंदेलखंड का दौरा। शनि शिंगणापुर में विवाद में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी चुप्पी। अहमदनगर के कलेक्टर और एसपी को दोनों पक्षों में बात करवाने का निर्देश। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को अस्पताल से छुट्टी। मुंबई के लिए रवाना। सूत्रों के मुताबिक रूटीन चेकअप के लिए हुए थे भर्ती। अगले हफ्ते से शरद पवार का व्यस्त कार्यक्रम। मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञापन में टाइपिंग की गलती। मूछ मुंडवाने की जगह पूछ मुंडवाना छापा। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव आज समाजवादी पार्टी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधन। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जीत का देंगे मंत्र। नाबालिग अपराधी का नाम जाहिर करने के मुद्दे पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर जारी हो सकता है दिशा निर्देश। दिल्ली स्टेट कैडर और आईएएस अधिकारियों की सामूहिक छुट्टी को लेकर याचिका के जवाब में केजरीवाल सरकार का तल्ख जवाब। ऐसे कर्मचारियों पर हो सकती कार्रवाई। दिल्ली में एमसीडी यूनियन के कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर। समय पर वेतन नहीं दिए जाने का विरोध। दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी को फंड नहीं मिलने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को जारी किया नोटिस। 2 फरवरी तक मांगा जवाब। ऑडिवन को लेकर दिल्ली सरकार ने अखबारों में दिया विज्ञापन। फिर से इस फॉर्मूले को लाने के लिए 8 फरवरी तक मांगे सुझाव। नेचुरोपैथी के लिए आज बैंगलोर जा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पिछले साल मार्च में भी कराया था खांसी का इलाज। फरुखाबाद रेलवे स्टेशन जीआरपी थाने पर एक व्यापार मंडल नेता की दबंगई। पुलिस और दरोगा को दी धमकी।
यूपी के संत कबीरनगर में बीएसपी के पूर्व विधायक ताबिश खान के समर्थकों का हंगामा। राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद की शिकायत करने गए पूर्व विधायक को थाने में बिठाने से नाराज थे समर्थक। राजस्थान के अलवर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने किया हमला, 5 पुलिस वाले जख्मी। राजस्थान के बूंदी में असिस्टेंट इंजीनियर गोपाल कृष्ण यादव ने बीजेपी विधायक अशोक डोगरा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, धमकी देने का आरोप। इंजीनियर के आरोपों से विधायक का इनकार, लोग पैसा देने को हैं तैयार तो फिर घरों को गिराने की क्या है जरूरत। हैदराबाद दलित छात्र की मौत के मामले में वीसी अप्पा राव ने कहा यूनिवर्सिटी की तरफ से बनी कमेटी फैसले को वो मानते हैं सही। अप्पा राव ने कहा मानव संसाधन मंत्रालय से मिले थे 4 रिमाइंडर लेकिन किसी तरह का दबाव नहीं। हैदराबाद में आमरण अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन हटाया, रोहित विमला की खुदकुशी के लिए के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। विलुपुरम में 3 मेडिकल छात्राओं की खुदकुशी के बाद सामने आई कॉलेज की हकीकत, कैदियों की तरह रहने को मजबूर छात्राएं, कुएं से भरना पड़ता है पानी। कॉलेज में टॉयलेट और बाथरूम में दरवाजे भी हैं गायब, लेबोरेटरी में लाइट नहीं, लाइब्रेरी में नहीं किताबें। हैदराबाद में आमरण अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन हटाया, रोहित वेमुला की खुदकुशी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। यूपी के सोनभद्र के 20 अधिकारियों पर सूचना आयुक्त ने लगाया 25,000 का जुर्माना, आरटीआई के तहत जानकारी न देने पर कार्रवाई। राजस्थान के धौलपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत पर हंगामा, घरवालों ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराया लापरवाही का केस। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ऑफिस में निवेशकों का हंगामा, पैसे के लेन देन के विवाद में फाइनेंसर और उसके बेटे की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में रोड रेस की वारदात, गाड़ी साइड करने के विवाद में 2 युवकों ने की वसंत कुंज थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर और उसके मंगेतर की पिटाई। हिमाचल में 28 तारीख को दाखिल हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कल से पंजाब हरियाणा में हो सकती है बारिश, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के आसार। शिमला में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप, लाहौल स्पीति के केलोंग में -10 डिग्री पहुंचा तापमान। सैलानी अब हेलीकॉप्टर से ले सकेंगे गोवा की खूबसूरती का नजारा, अगले महीने से शुरू होगी हेली टूरिज्म सेवा। एयर इंडिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अपने कर्मचारियों को किया सम्मानित, गणतंत्र दिवस पर हुआ कार्यक्रम। दिल्ली के वसंत विहार में एयर इंडिया से जुड़े 944 लोगों ने एक साथ देखी फिल्म एयरलिफ्ट, धनराज पिल्ले और निखिल चोपड़ा भी थे मौजूद। तीन दिन का दौरा पूरा कर स्वदेश रवाना हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद, मंगलवार को फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ किया लंच। अमेरिकी राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एडम जुबिन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया भ्रष्ट, रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने मांगा सबूत। ब्रिटेन में हिट एंड रन केस के सामने आई सीसीटीवी तस्वीर, सफेद फियाट में टक्कर में बाल बाल बचा एक शख्स। ब्राजील के जेल ब्रेक के सामने आई सनसनीखेज तस्वीर, 23 जनवरी को 40 कैदियों के भागने से पहले हुआ था धमाका। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पलक झपकते नदी में समा गया 107 साल पुराना पुल, नियंत्रित विस्फोट से उड़ाया गया। खेलकर हमारे साथ है पंकज, पूरी खबर बताएं। पंकज पूरी खबर बताएं। ये देखिए आप शनि शिंगणापुर जो मैं